हाँ सर नमस्कार, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम शंभूलाल भट्ट, गांव भट्टो को बामनिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़। मेरे मोबाइल नंबर 99 50 73 75 47। मैंने इस साल क्या हर साल सोयाबीन लगा रहा हूँ और हर साल मैं जेबा का प्रयोग कर रहा हूँ। जेबा का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब ये आप मेरे सोयाबीन देख सकते हो। मैंने 2 किलो पर बीघे का जेबा डाला है तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि एक तो इसकी बरसात 1 महीने की फसल हो गई है, 1 महीने की फसल हो गई है, लेकिन प्यास अभी तक कम नहीं कर रही है। उसकी फुटान बराबर चालू है और ब्रांचिंग चल रही है, फूल कहीं कहीं फूल आने लग गए हैं। लेकिन इसका और मैं दूसरों पड़ोस में जिन्होंने नहीं डाला उनका भी देखा तो उनके वासम प्यास कर रही है और जर्मिनेशन भी उनके अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने बोई उस समय इसको बीज उपचारित भी किया था प्रोवेक्स और रेनो से। तो प्रोवेक्स रेनो से बीज उपचारित करने से क्या है, एक समान बीज उगे और जल्दी उगे। जिन्होंने बीज उपचारित नहीं किया उनका 2 दिन लेट उगा, अपना 2 दिन पहले उगा, तो उससे भी क्या है फ़ायदा हुआ। अब 1 महीने की आप कंडीशन देख सकते हो, इसके पत्ते, इसका तना, इसके फूल अभी भी लग रहे हैं कि अभी ये चल रही है कि ये 8 दिन रुक सकती है। इस ऐसे मौसम को देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं UPL कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो जेबा निकाला है किसानों का हितैषी है, किसानों के हित में है। तो मेरा यही कहना है कि आपके सभी किसान भाइयों से कि जेबा आप काम में लो और ख़ास करके जिस साल पानी की कमी हो उसमें ये जेबा बहुत काम अच्छा काम करता है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेबा का प्रयोग करें, उससे अपने को फायदे हो मिलेगा। और मैं सभी किसान भाइयों को अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जेबा दे उन मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। अपने को किसान जो भाई जो उम्मीद कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा पैदावार होती है। मेरे गए साल भी 6 क्विंटल सोयाबीन पैदा हुई थी और इस साल भी मैं सोच रहा हूँ कि 6 से ज़्यादा निकलूँ। लेकिन ये अब बारिश हो जाए तो ये हो सकता है कि ये 6 से ज़्यादा ही निकलेगा।